हम तो एक सौ कहते हैं जो हर बात विवाह जन्म मृत्यु है सब ईश्वर के हाथ अधीन है। तो जब उनकी दया होगी, जब शिव का आसन डोलेगा और नारायण का आदेश होगा, उस दिन बच्चे घर में आ गए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस ब्लॉग में। तो जी अभी ब्लॉग को कर दिया है अपलोड। हमारा खाना लग चुका है जी। जिया की हालत है खराब, इसको खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन इसको लेकर के आ गए हैं ताकि खाएगी। आ गए जी सुबह सुबह टहलने के लिए। और आज जो मौसम है जी, मजा आ गया मौसम को देख करके। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। सोच तो रहे थे कि नहीं आए ऊपर, लेकिन सोचे नहीं आती ऊपर तो इतना खूबसूरत सा नजारा देख नहीं पाते। छत का क्या हाल है अभी देख सकते हैं, कितनी बारिश हुई है रात में, अच्छी खासी बारिश हुई है। क्या हुआ? ठंड लग रहा है। तो तुम नीचे चले जाओ, हम यहाँ पर तीन सबको निहारते हैं। ऐसा लग रहा है जितने भी पौधे हैं सभी की अच्छे से धुलाई हो गई है। हमेशा जिया टहलते टहलते बैठ भी जाया करती थी जैसे ही थक जाती थी, लेकिन आज बैठ भी नहीं सकती है, सारा कुर्सी गीला है। देख सकते हैं कुर्सी का क्या हाल है। इस कुर्सी को उठा के रख देते हैं। और आज जो है पौधों में पानी भी डालने का जरूरत है नहीं, इंद्र देवता ने ऑटोमेटिक पानी डाल दिया है। आ गए जी ऊपर से टहल करके, और जिया का लग गया है अपना चाय। और कल रात हम देख रहे थे मूवी अनदर राउंड, इतनी अच्छी मूवी थी कि पूछिए मत, मजा आ रहा था देखने में। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे देखना स्टार्ट किए हमको दर्द उठ गया। बस दर्द नहीं उठ गया, जिया को नींद आ गई? नहीं, दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था, बाद में नींद आ गई जब दोबारा देख रहे थे आप। जिया जो है आराम से जा करके सो गई, तो हम रात में कुछ देर देखी, हमको नींद आ गई, हम सो गए। हम सुबह उठ के इनसे पूछते कितना देखे, बोलते भाऊ कहाँ देखे। तो आज देखते हैं, आज दिन में कभी भी टाइम मिलेगा तो उस मूवी को देख लेंगे हम। बहुत दिनों से जी अपनी गाड़ी की सफाई करी नहीं, गाड़ी हो चुका है बहुत अच्छा खासा गंदा, आज इसको साफ कर लेते हैं। और इस पे तेल भी नहीं है, तो तेल भी डलवा करके रख लेते हैं, क्या पता जिया का कब कोई केस आ जाए और तुरंत गाड़ी को तैयार करना पड़े, इसलिए तेल रहना जरूरी है। तो अभी पहले इसको साफ करेंगे और थोड़ा बहुत आगे चल कर ड्राइव भी कर लेंगे, फिर हाथ भी बैठ जाएगा और गाड़ी भी चल लिया करेगा। मुझे लगता है लगभग 20 दिन से यह गाड़ी चला नहीं है, तो इसलिए सोचा है कि थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं। गाड़ी का कुछ हाल देखिए, कुछ ऐसा हाल है लग ही नहीं रहा है कि 5-6 महीना पुराना गाड़ी है। अब जल्दी से इसकी सफाई करते हैं। तो देख सकते हैं जी गाड़ी लगभग हो चुका है साफ, और इसके बाद जो है वहाँ पर इतना ज्यादा गंदा था, किसी तरह से इसको रगड़ रगड़ के कैसे कैसे साफ किया गया है। बाकी अभी इसको 2-3 राउंड चलाएंगे, उसके बाद दिक्कत होगा तो सीधा वॉश करवा लिया जाएगा। फाइनली जी थोड़ा सा राउंड मार लिया, गाड़ी में तेल भी डलवा लिया है, और मालूम चला कि रिया आ रही है, तो रिया इधर ही आसपास उतरेगी, तो रिया को यहाँ पर चढ़ा लेंगे और घर लेकर के चल लेंगे। अपने घर की गली में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, जो भी हमारे ब्लॉग को शुरुआत से देखते आ रहे होंगे उनको पता होगा हमारी गली में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। हमारा गली जो है इतना ज़्यादा टर्न है, वहाँ पर पूछिए मत। तो आज एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, लगभग हो चुका है महीना भर तो हो चुका है लगता है इस गाड़ी को निकाले हुए, उस गली में फिर से चला लेंगे। फाइनली रिया आ गई है जी, इसका सारा सामान सब है साथ में। कहाँ रख दे, आगे रख दे, तुम आगे बैठ जाओ ना, इसको पीछे रख देते हैं, आगे बैठ जाओ। तो फाइनली रिया आ गई है घर, और हमारा खाना लग चुका है, और बगल में साथ में दही भी लाई है। तो जिया दही निकालने के लिए कुछ देख रही है, क्या देख रही है? फ्री में जगह ढूंढ रही है, नहीं मिलेगा शायद जगह, अलग अलग कटोरा में करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पति देव दही खा रहे हैं, मजा आ रहा है खाने में दही। रिया बहुत सारा सामान लेके आई है और दही को हमने रख दिया है फ्रिज में। जिया जो है रिया के सारा सामान का अनबॉक्सिंग कर लिया, और मालूम चला कि घर से क्या क्या आया हुआ है। तो देख सकते हैं कहाँ है जी परवल और करेला, ये परवल यहाँ नहीं मिलता इस तरह का, इसलिए मिल आ गया स्पेशल परवल वहाँ। ये देखिए इस टाइप का नहीं मिलता, ये मन्ना मम्मी है ना, उनको ये परवल बहुत पसंद है, तो कल हमको बोल रही थी कि भेज देंगे तुमको परवल यहाँ वाला बहुत पसंद है। हम बोले नहीं भेजेगी, एकदम नहीं भेजेगी, मम्मी जब आएगी तब भेजना, फिर भी भेज दी। और ये चूड़ा, तो यहाँ चूड़ा है, कतरनी चूड़ा है, सही चूड़ा रहता है एकदम। और यहाँ है जी ठेकुआ, ठेकुआ हमें बहुत पसंद है, देख सकते हैं, तो एक हम निकाल लेते हैं खाने के लिए। और इसमें है नमकीन और दही आया, दही रख दिए, दही आया हुआ एक पूरा बड़ा डब्बा से, और पनीर भी है आपका। अच्छा पनीर भी है, चलिए जी अच्छा है, अब हम चलते हैं सीधा नहा लेते हैं। तो यहाँ मोलू आया है चश्मा लेकर के, पतिदेव चश्मा छोड़ दिए थे वहीं पे है ना, और क्या बोले तुम्हारे जीजा जी, चश्मा तो हम पहन के गए ही नहीं है, फिर हम बोले अच्छा ठीक है तब छोड़िए,
फिर अपना वीडियो ऑन करके देखे, उनको लगा कोई बात तो है, तब तो फिर बोलते है जा मोलू फोन किया था क्या, बोले तो ये चश्मा लाया है मोलू। फिर से गए ना वहाँ, टेबल पे रख दिया वहीं पे, था हम भी देखते हैं किसका चश्मा है, तब जाता है वो जिया जी का चश्मा। तुमको पता नहीं जिया जी दिन में 10 बार चश्मा खोते हैं। यहाँ पे पति देव अपना काम कर रहे हैं और मच्छर तो इतना ज्यादा हो गया है ना, पूरा मच्छर काट काट के मेरा पैर फुला दिया है। ऐसा पैर मेरा लहूलुहान हो चुका है, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए काम कर रहा है, जानते हैं कोई उपाय है नहीं। इसलिए उपाय है लेकिन ये करते नहीं। उपाय ये है कि हम मॉर्निंग में काम करें, लेकिन ये मॉर्निंग में तो काम करेंगे नहीं, शाम में काम करेंगे। पहले रात के 12 बजे तक काम करना क्यों ना पड़े, लेकिन ये शाम में ही काम करेंगे। तो इसका एक उपाय ये है कि अब जाते हैं मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाएंगे, अभी बैठ सकते हैं। लेकिन वो जो अगरबत्ती है उसकी दिक्कत क्या होता है, ज्यादा देर जैसे ही जलने लगता है मेरा आँख उससे जलने लग जाता है। हाँ वो मेरे साथ भी होता है और हमको उल्टी जैसा लगने लगता है। वो हमको भी होता है उसके साथ। साथ क्या हो रहा है ना कि अभी हमको नींद, आप मेरी आँखें देख सकते हैं पूरा सूजी सूजी लग रही है, नींद तो बहुत आ रहा है लेकिन हम सो ही नहीं पा रहे, क्या करें पता नहीं। जैसे सोने जाते हैं तो कभी इधर दर्द होता है, कभी उधर दर्द होता है, अच्छा है कि हम घूमते रहे कुछ ना कुछ करते रहे, वो बेटर है। कोई बात नहीं, जितना आराम कर सकती है उतना आराम करो, आराम के लिए कोई बना ही नहीं है। लेकिन कर ही नहीं सकते हैं पूरा, मतलब नींद हमको इतना ज्यादा लग रहा है लेकिन सो ही नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, बैठे बैठे सोते हैं। इतना आसान नहीं है जितना ये आसान समझते हैं ना, इतना आसान है नहीं। या कुछ भी बोलिएगा ना, ये सबको होता है, सबको होता है भाई, सबको होता है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमको दर्द नहीं हो रही, हमको दर्द हो रही है, आप ये बोलो आज कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, अच्छा तुम ही बताओ हमको क्या बोलना है, वही बोलेंगे। कुछ नहीं बोलना है, हम जो इसको हिम्मत देते हैं कि सब नॉर्मल है, लेकिन जिया है इसको चाहिए कि नहीं आप बवंडर करिए पहले बात को। अरे बाप रे बाप, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। ठीक है, आगे से हम बवाल कर देंगे दर्द का, कोई बात नहीं। बहुत बदमाश है। तो ये रहा मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती। बिल्कुल जी, यह अगरबत्ती हम लोग लाई थी दिल्ली से, यहाँ ये अगरबत्ती हम लोग को मिला नहीं, क्या नाम है, महादेव कंपनी का। बाकी यहाँ जो भी अगरबत्ती ली है ऐसा असरदार नहीं दिखा जैसा वहाँ मिला। ये एक बार जलाने से सारा मच्छर भाग जाता है, लिखा भी हुआ दिल्ली इज बेस्ट। तो जला लीजिए आप, रूम बंद कर दीजिए, फैन ऑन कर दीजिए और आप बाहर निकल जाइए। और जब यहाँ जल रहा हो तो कोशिश करिए कि आप वहाँ पर नहीं रहिए, नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसका धुआं ऐसा है। रिया अपना बेड लगा रही है, तो सारा कपड़ा रखा हुआ है, सारा आयरन करेगी। दिल्ली में सारा आयरन की थी, सारा प्रेस करके वहाँ से लेके आई थी, तभी तक ये पहन रहे थे, अब सारा जो है फिर से खराब हो चुका है प्रेस, तो फिर से प्रेस करेगी। हम तो झुक नहीं पाते हैं, तो रिया बोली हम कर देते हैं, हम बोले ठीक है कर दो, अपना बेड भी लगा रही है साथ में ये भी करेगी। तो जी अब हम आ गए किचन, यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया हमने और तेल भी डाल दिए। तो आज हमें चिप्स तलना है, पतिदेव का ऑर्डर है कि बहुत दिनों से हम चिप्स नहीं खाए हैं, हमने बोला कि चलिए ठीक है तल देते हैं आज, तो चिप्स तलते हैं सबके लिए और देते हैं सबको। तो यहाँ पे तल गया, अब सबको जा करके देते हैं, नीचे सबको दे आए और अब ये पतिदेव को दे देते हैं, ये लीजिए आपके लिए। वाह बहुत बढ़िया, मजा आ गया, चलिए कोटी कोटि धन्यवाद। खाइएगा या काम करिएगा, पहले खा लेंगे बाद में काम कर लेंगे। चलिए जी अब हमारा तो काम हो गया, आप सीधा चलते हैं रूम के अंदर, जिया अंदर देखती होगी रामायण, हम भी चल करके साथ में देख लेते हैं, अच्छा लगता है रामायण देखना। तो देख सकते हैं जिया यहाँ पर एकदम लाइट का अच्छा सा इंतजाम करके है, देख रही है यहाँ पर रामायण। रामायण तो अच्छा चल रहा है उधर देखिए। क्या हुआ जा? ओ फिर नेट गया, इस नेट का ऐसा ही हाल है जी, धोखेबाज नेटवर्क है इसका। बड़ी वाली लाइट जला दीजिए तो ताकि प्रॉपर फिर दिखे सब कुछ। चलिए ये लाइट जला देते हैं। भाई साहब इस इंटरनेट का क्या किया जाए समझ में नहीं आता है, वाईफाई इतना धोखा देता है, कई बार बहुत सारा जरूरी काम इस इंटरनेट की वजह से अटक। आप लोग देखते होंगे हमारा ब्लॉग लेट आता है, जैसे कि आज भी हमको लगता है लेट ही आने वाला है, क्योंकि अभी तक अपलोड में लगा नहीं है और लगेगा तो नेटवर्क है नहीं। और अब वीडियो अपलोड भी होगा तो मोबाइल के नेटवर्क से, बिल्कुल जी मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे, मोबाइल का स्पीड वैसा होता है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं जी। और क्या होता है ना कभी कभी रात के 10 बजे के बाद तो गायब हो जाता है, पूरा गायब एकदम। और सभी दोस्तों से पूछा, जितने भी दोस्त हैं सभी से पूछे सभी का कैसा है, सभी बताते ऐसा ही है, चाहे अलग अलग कंपनी का भी वाईफाई हो यहाँ पर कटिहार में, चाहे इवन BSNL का हो, एक सरकारी का नाम लेते हैं, बाकी जो भी प्राइवेट कनेक्शन यहाँ पर उनका भी वही हाल है। BSNL में सुना है कि सर्विस सब अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही कोई डिफॉल्ट आ गया वहाँ पर तो उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाता है, आप कॉल करते रहोगे वह कहेंगे आ जाएंगे कल आएंगे इस तरह करके। ये दिल्ली में बढ़िया था, दिल्ली में नहीं जाता था ना, पर इंटरनेट का ऐसा कुछ भी नहीं आया जितना यहाँ महंगा है। यहाँ तो कीमत भी लेते हैं अच्छा खासा, और इंस्टॉलेशन चार्ज यहाँ पर लेते हैं 5,000 से 8,000 रुपया, बताइए वहाँ 0 रुपया इंस्टॉलेशन फी, कुछ ऐसा हाल है यहाँ का। और यहाँ हमारे कपड़े को प्रेस कर रही है जी, हमें प्रेस करने ढंग से आता है नहीं, कई बार ट्राई किया है तो एक दो बार कपड़े जल गए हैं, तो इसलिए जिया कर देती है, और अभी जिया की हालत है नहीं, तो रिया आज आई हुई थी घर तो कह की दीदी हम कर देते हैं, तो धन्यवाद रिया महारानी का।
कि वाईफाई तो है नहीं तो फिर टीवी तो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर केबल लगवाया हुआ है नहीं, तो माँ के साथ बैठ करके कुछ बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते वक्त पता चला कि हमारे मोहल्ले में जितने भी लोगों का मई में डेट था सभी का डिलीवरी हो चुका है लगभग, सिर्फ बची है अब जिया। हमारी नैन्सी दीदी था उनका भी डिलीवरी होना था मई में और उनका भी हो चुका है, बस बची है जिया। तो देखते हैं हमारा नंबर कब आता है, या तो किसी के हाथ में है नहीं। हाँ, हम तो एक सौ दिन कहते हैं जो हर बात विवाह जन्म मृत्यु है सब ईश्वर के हाथ अधीन है। तो जब उनकी दया होगी, जब शिव का आसन डोलेगा और नारायण का आदेश हो जाएगा, तो उस दिन बच्चे घर में आ जाएंगे। अभी हम लोग अपना इंतजार कर रहे हैं।